संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। आशा है वीडियो लाभकारी अवश्य सिद्ध हो रही होंगी, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। आज हम सांख्य दर्शन की लगभग तीन कारिकाओं को विशेष में जानेंगे, क्योंकि तीनों कारिकाएं तन्मात्राओं से संबंधित हैं, सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर से संबंधित हैं। कौन सी विशेष में हैं, कौन अवशेष हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे उनको उत्पत्ति होती है, ये सारी बातें बताने का प्रयास करेंगे। सांख्य कारिका, ठीक है, एक एक चीज को बताता चलूंगा मैं। विस्तृत व्याख्या है, कुछ आपसे भी पूछा जा रहा है, क्योंकि इसमें बड़ा मैंने दो चार लोगों से भी जानकारी लेने का प्रयास किया था, क्योंकि कुछ चीजें समझने के लिए ये हम लोग पढ़ाई के मकसद से पढ़ते हैं इसको, पढ़ाई से इसका कोई संबंध नहीं है। अब क्योंकि पढ़ाई में एक नौकरी का एक पर्पज बन गया है, दर्शनों का नौकरी से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। सांसारिक जीवन के लिए दर्शन नहीं है, सांसारिक व्यवस्थाएं अगर चलानी है, जीवन चलाना है, तो उसके लिए विज्ञान की जरूरत पड़ेगी। दर्शन से किसी भी चीज को आप आविष्कृत नहीं कर सकते, वो आत्मिक चीज है, लेकिन उसको हमने सांसारिक वस्तु बना करके छोड़ दिया है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और उसकी व्याख्याएं भी कहीं कोई दर्शन की किसी ने सही से नहीं की है। वक्ता हैं बहुत उच्च कोटि के, लेकिन वो भी शब्द पे ही अटक के रह जाते हैं, आगे नहीं जा पाते। पहली कारिका है, उसको मैं समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूं। तन्मात्राण्याप विशेषा, तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः, ठीक है। यहां पर तन्मात्राणि अविशेषः तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः, जो तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म तन्मात्राएं, उनको सूक्ष्म के नाम से भी जाना जाता है, तन्मात्राओं के नाम से भी जाना जाता है। ये कितनी है संख्या में, ये हमने पहली वीडियो में जान लिया था, ये पांच होती हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये पांच तन्मात्राएं होती हैं। इन्हीं से, और इनको क्या बोला गया है, अविशेष बोला गया है, ठीक है। अविशेष तात्पर्य क्या है, यहां समझने की चीज है। तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्य, और इन पांच तन्मात्राओं से पांच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। पांच जो महाभूत हैं उनकी उत्पत्ति होती है तन्मात्राओं से। वेदांत सार में जाकर के अध्ययन करेंगे तो वहां मैंने पंचीकरण की एक व्यवस्था दी है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वेदांत सार में पंचीकरण का वीडियो देखेंगे तो वहां जाकर के आप अध्ययन करेंगे, उसमें बहुत विस्तृत समझाया है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनसे कैसे कैसे महाभूतों की उत्पत्ति हुई है, तो मैं यहां इसको विस्तृत में नहीं समझाऊंगा, आप जाकर के वहां अध्ययन करिए। मैंने बताया है, बहुत बार बताया है, सारी चीजें मिली हुई हैं, कहीं कोई भी चीज अलग नहीं है, कोई किसी चीज की व्याख्या कर रहा है, कोई किसी चीज की व्याख्या कर रहा है। इसलिए सभी दर्शनों को लगभग मैं पढ़ाता चल रहा हूं, कभी तर्क भाषा ले लेता हूं, उसके शब्दों को ले लेता हूं, कभी तर्क संग्रह है, मीमांसा हमने देख ही लिया है, वेदांत सार संपूर्ण खत्म कर ही दिया है। एक दो दिन में योग दर्शन को बहुत विस्तृत से समझाऊंगा, और आशा करूंगा कि आप भी योग दर्शन को योग दर्शन की भांति जीवन को उत्थान करने के लिए उसका अध्ययन करेंगे। तो इनसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। जैसे आकाश है, ये पंच महाभूतों में से एक है। आकाश की उत्पत्ति शब्द गुणकम आकाशम, ये तर्क भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है, तर्क संग्रह में बताया है, इन सभी के लक्षण बताए हैं, आप जाकर के अध्ययन करें, उसमें महाभूतों के लक्षण बताए हैं, फिर उनके गुण भी बताए हैं, कौन से किसका क्या गुण है,
स्पर्श क्या है, रस के गुण क्या है, गंध क्या है, तत्र गंधवती पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी जो होती है वो गंधयुक्त होती है, अर्थात गंध पृथ्वी का गुण है, तो गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस तरह से बहुत विस्तृत में समझाया। तो इनसे पांच जो महाभूत हैं उत्पत्ति होती है, ठीक है। जैसे रूप है, रूप से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि तत्व की। रस है, रस से जल की उत्पत्ति होती है, रूप रस। गंध है, गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, रूप रस गंध स्पर्श। स्पर्श से वायु की उत्पत्ति होती है, शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तन्मात्राओं के। और उनसे ही इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो ये कह रहे हैं कि अविशेषः अविशेष होते हैं। अब अविशेष और विशेष क्या है, इसको मैं अभी समझाऊं आपको। तन्मात्राणि अविशेषः तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः, यानी पंच जो सूक्ष्म तन्मात्रा है उनसे पंच महाभूतों की ही उत्पत्ति होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एते स्मृता विशेषः, ये इसमें बोला है। एते स्मृता विशेषः, क्योंकि अवशेष बता दी उन्होंने तन्मात्राणि, यानी जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं वो अवशेष हैं, और एते इनसे जो भूत उत्पन्न हुए वो विशेष हैं, ठीक है। शांता घोरश्च मूढ़श्च, शांता घोरश्च मूढ़श्च, जैसे हमने सत्व रजस तमस इनके बारे में जाना, फिर दुख सुख मोह इनके बारे में जाना, तो इनकी ही अलग यहां पर जो नाम दिए हैं शांत घोर और मूढ़ दिए हैं। शांत का मतलब होता है सुख, घोर का मतलब दुख, और मूढ़ का मतलब मोह। जब वो पांच भूतों की उत्पत्ति हो जाते हैं, उत्पत्ति हो जाती है, तो वो सुख दुख मोह उत्पन्न करने वाले बन जाते हैं। तीन चीज समझ आ जाएगी। अब विशेष और अविशेष क्या है, थोड़ा सा इसको जानते चलें। अविशेष का मतलब है जो तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म तन्मात्राएं, वो किसी भी ना सुख में पड़ती है, ना दुख में, ना मोह में, अर्थात वो तीनों से अविशेष रहती हैं, उनका तीनों से कोई संबंध नहीं है, दूर रहती हैं, और उनसे जो भूत उत्पन्न होते हैं वो तीनों से सम्मिलित रहते हैं, अर्थात तीनों में वो कहीं ना कहीं मिले हुए रहते हैं, या तीनों उनमें मिले हुए रहते हैं, ये इनका तात्पर्य है, ठीक है। इसलिए उनको अविशेष कहा गया और इनको विशेष कहा गया है। आगे आगे क्लियर हो जाएगा। और दूसरा कह रहे हैं सूक्ष्मा माता पितृजा सह प्रभूतई त्रिधा विशेषाः स्युः। ये इसमें बोला गया है, सूक्ष्मा माता पितृजा सह प्रभूतई, या तीनों चीजों को समझना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो आगे फिर समस्या रहती है। सूक्ष्मा या जो शब्द प्रयोग किया गया है, यहां पर तो उन्होंने बताया अविशेष और यहां पर बता दिया है विशेष, इसलिए विरोधाभासी मालूम पड़ता है। अब सूक्ष्मा से यहां पर जो तात्पर्य लिया गया है वो सूक्ष्म शरीर को लिया गया है, ठीक है। किसको लिया गया है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर विशेष होता है,
लेकिन सूक्ष्म शरीर में तन्मात्राएं भी सम्मिलित होती हैं, तो फिर विशेष में कैसे गिन लिया गया? इसलिए क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो विशेष के अंतर्गत आती हैं, तो उनको हटाना करके एक वही उन्होंने उसको विशेष के रूप में डाल दिया है। माता पितृजा, माता और पिता से उत्पन्न होने वाला जो शरीर है, एक तो ये सूक्ष्म शरीर हो गया माता से और पिता से, माता से रोम यानी कि लोम इसको बोलते हैं, बाल साधारण भाषा में बाल, रक्त, मांस, ये तीन चीजें होती हैं। और पिता से उत्पन्न होते हैं स्नायु, अस्थि और मज्जा। मज्जा क्या होता है इसको थोड़ा सा बता दूं, बाल आपको समझ में आ रहा होगा, जितने भी बाल दिखाई देते हैं, रक्त जानते ही हैं, मांस आप जानते ही हैं, वसा के रूप में जो भी आप फैट जमा होता है उसे मांस बोलते हैं, ये माता से उत्पन्न होती हैं। ये तीन कोश माना गए हैं, तीन कलाएं, छह छह कोशों से उत्पन्न शरीर है, ठीक है। स्नायु, स्नायु मतलब होती है जितनी भी नसें हैं शरीर के अंतर्गत, तंत्र का तंत्र एक तरह से मानिए। और अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी। मज्जा होती है हड्डी को ताकत देने वाला, अंदर जो भरा होता है उसमें ग्रीस की तरह, उसको मज्जा बोला जाता है। तो ये पिता से उत्पन्न होते हैं। तो ये छह कलाओं से, छह कोशों से युक्त एक शरीर होता है ये। तो नंबर एक हो गया सूक्ष्म शरीर, नंबर दो हो गया छह कोशों से युक्त शरीर, माता पिता से प्राप्त हुआ शरीर, तीसरा होता प्रभूतई। फिर इनके बाद में जो पंच महाभूतों से बना हुआ जो हमें शरीर दिखाई दे रहा है होता, देखो दो चीज होगी इसमें समझना बड़ा, इसको समझना थोड़ा कठिन पड़ जाता है। महाभूत शरीर माता पिता से ये उत्पन्न तो हुए, जैसे ही उत्पन्न हुए तो इनको बाहर से जो कुछ भी चीजें दिखाई देती हैं, या इनको मान के चलिए जब तक गर्भस्थ शिशु रहता है तब तक तो ये व्यवस्था रहती है, गर्भस्थ शिशु होने के बाद जब वो जन्म ले लेता है तो अन्न पानी दूध वगैरह पीने के बाद जो शरीर में बढ़ोतरी होती है तो पांचों तत्वों से शरीर बनने लगता है, इसलिए वो उसको जो दिखाई देता है शरीर उसको पंच महाभूत शरीर के अंतर्गत माना जाता है, ये इसमें बताया गया। लेकिन इसमें सही से व्याख्या यदि आपको किसी को पता हो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अध्ययन करने का प्रयास किया, क्योंकि इसकी व्याख्या अगर हम करें कि जो शरीर में माता पिता जब के अंदर, जब माता के अंदर जब बच्चा होता है तो उसके अंदर भी तो पंच महाभूत तत्व तो ही उसमें सम्मिलित होते हैं, तभी तो वो ग्रोथ करता है, तभी तो वो बढ़ता है। यदि पंच महाभूत तत्व तो ना मिलते उसको, क्योंकि दूध माँ के दूध से मिलते हैं उसको सारे पोषण मिलते हैं, तब वो बढ़े। तो साइंस की दृष्टि से बता रहा हूं, साइंस की दृष्टि से हो सकता है इनकी साइंस की दृष्टि कुछ और रही हो आध्यात्म में, वो क्या रही है ये मुझे नहीं पता। और यदि आपकी नजदीक या कोई विद्वान रहते हो तो अगर इसके विषय में चर्चा करके देखना, ये कारिका 39वीं कारिका है, 38 39 40 की व्याख्या कर रहा हूं मैं, 39वीं कारिका है, इसका अध्ययन अवश्य करें कोई विद्वान हो तो। तो ये महाभूत शरीर जो हमको दिखाई दे रहा है ये तीसरा है, ये तीनों क्या कहलाते हैं, विशेष, ये तीनों विशेष के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये शांत घोर और मूल से सम्मिलित होते हैं, ये इन्होंने बताया है। भोग की जहां प्रक्रिया शुरू हो जाए ये भोग के अंतर्गत आते हैं, सुख रूपी भोग हो सकता है, दुख रूपी भोग हो सकता है, मोह रूपी भोग हो सकता है, ये भोग हैं। जब ये तीनों ही शरीर भोग में सम्मिलित होते हैं इसलिए ये विशेष हैं। और यदि जो सम्मिलित नहीं होता उसका नाम तन्मात्रा है, वो अवशेष है, इनसे परे रहता है। उम्मीद है समझ में आ रही होगी, ठीक है, ये तीनों चीज समझ में आ गई होंगी आपके। इसमें आगे है सूक्ष्म तेषां नियता, माता पितृजा निवर्तन्ते, ये बोला इसमें सूक्ष्म तेषां नियता।
जो सूक्ष्म है, तन्मात्रा है, जिसको हम पहले स्थान पर जिसको हमने सूक्ष्म शरीर जाना था, ठीक है ना, सूक्ष्म शरीर में कौन कौन से आते हैं ये मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन फिर बताऊंगा अभी अगली वीडियो में। आप जाकर के उसको जरूर अध्ययन करना, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में भी कुछ विद्वानों का कुछ मत है, कुछ विद्वानों का कुछ मत है, मैं अभी बताऊंगा इसमें आगे चल के। तो सूक्ष्म शरीर नियत होता है, निश्चित होता है, दिमाग में बिठा लो सही से। सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? नियत होता है, निश्चित होता है, वो हमेशा जैसा है वो वैसा ही रहता है। माता पितृजा निवर्तन्ते, अब यहां पर आदि बात कह दी इन्होंने, माता पितृजा निवर्तन्ते प्रभुते को क्या हुआ भाई, तीन जब ऊपर की व्यवस्था इन्होंने तीन दी है तो नीचे को भी तीन देना चाहिए था, लेकिन माता पितृजा जब निवर्ति, जब वो निवर्त हो जाएगा, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो पंच महाभूत भी नष्ट हो जाते हैं, इन्होंने मान लिया, क्योंकि पंच महाभूत की जो व्यवस्था दी है वो बाहरी तत्व से इन्होंने लिया है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से व्यवस्था बता रहा हूं आपको। और अच्छे विद्वान हो तो उनसे और चर्चा करना, क्योंकि ये चर्चा के विषय हैं, इनको ऐसे ही मत मान लेना किसी के द्वारा। मैंने हजार बार बताया है और फिर बता रहा हूं, किताबों से अध्ययन करो, जो विद्वान मिले उनसे अध्ययन करो, क्योंकि विद्वत्ता तर्क वितर्क करने से आती है। तो माता पिता से जो हमें छह कोषों युक्त शरीर मिला था वो नष्ट हो जाता, जब वो नष्ट हो जाएगा तो पंच महाभूत भी स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि चटाई पट नष्ट होता है, तंतु नष्ट होते हैं तो पट अपने आप से नष्ट हो जाते हैं समवाय कारण के अनुसार, आप अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा, तर्क भाषा मैंने बड़े अच्छे समझाया, जाकर के अध्ययन कर लीजिए। तो ये माता पिता का जो शरीर है वो नष्ट हो जाता है, ये इसका बस कहने का तात्पर्य है। तीसरा, पूर्वोत्पन्नम सक्तम, नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, ये है, थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। अब तक हमने पूरी व्यवस्था दी, अब इसमें सूक्ष्म शरीर है उसके बारे में पूरी चर्चा की है कि वो क्या है, कैसे है, पूरी इसमें व्यवस्था दी है सूक्ष्म शरीर के बारे में। तो कह रहा है पूर्व उत्पन्नम, पूर्व उत्पन्न जो शुरू में जब सृष्टि शुरू हुई थी तभी वो उत्पन्न हो गया था, पूर्व उत्पन्नम असक्तम, जो अबाध गति से निर्वाध गति से दौड़ता रहता है, चलता रहता है, इसीलिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहीं भी आप शीशा बंद कर दीजिए, किसी बंद कर दीजिए, सूक्ष्म शरीर चला जाता है। अब इसमें थोड़ा सा और बताऊंगा, सूक्ष्म शरीर को असक्तम बोला, यानी वो पत्थर शिला में भी प्रवेश कर जाता है, अणु और परमाणु से भी छोटा है। कभी कभी ये प्रश्न आता है, और कुछ लोग हैं वो साकार और निराकार में बहुत लड़ाइयां करते हैं कि ईश्वर साकार है या निराकार है, इसका कोई औचित्य नहीं है, ये सब फालतू की बकवास है। पूर्वोत्पन्नम असक्तम, यानी कि जो सृष्टि के शुरू में उत्पन्न हुआ असक्त है, पत्थर शिलाओं में भी जो प्रयोग कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, अबाध गति से दौड़ता रहता है, नियत है, निश्चित है। नियत और निश्चित का मतलब क्या है? वो ना तो किसी और के द्वारा, जैसे जितने यहां पर प्राणी हैं दुनिया में, जितनी भी प्राणी हैं उन सभी के कारण शरीर, मतलब ये सूक्ष्म शरीर कारण शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर बिल्कुल अलग है, मेरा अलग है, आप लोगों का अलग है, और जितने भी इसमें प्राणी आप जानते हैं उन सभी का सूक्ष्म शरीर अलग है, इसीलिए कह रहे हैं नियत है, निश्चित है, ना वो किसी का बदला जा सकता है, एक ही है, और वो पुरुष के साथ हमेशा संलिप्त रहता है। जब वो पुरुष के साथ संलिप्त रहता है तो वही ये सूक्ष्म शरीर ही जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक है। महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम, सूक्ष्म शरीर तो जान लिया, लेकिन है उसके अंदर कौन कौन से, साइकिल पूछा गया कि साइकिल क्या है, तो साइकिल में आप बताएंगे एक हैंडल होता है, दो पहिए होते हैं, पैडल होता है, मतलब सारी चीजें बता डालेंगे, उसका जोड़ ही साइकिल है। तो इन्होंने बताया है कि सूक्ष्म शरीर जो है महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम, तो महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम से महतत्व मैंने बताया है, महतत्व यानी बुद्धि तत्व बोला जाता है इसको, फिर आता है अहंकार, उसके बाद में अहंकार से उत्पन्न होने वाले मन,
और 10 इंद्रियां पोस्टल मात्राएं, तो 5, 5, 10, 5, 15, 15, 3, 18, ये 18 अवयव जिसके होते हैं उसका नाम सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, क्या है सूक्ष्म शरीर? इसमें बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आती हैं। ज्ञान इंद्रियां जो हमें दिखाई देती हैं, ये बाहरी पंच महाभूत के अंतर्गत हैं। मैं इसमें जब योग में बताऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि किसका कैसे काम होती है, कैसे कार्य करती है पूरी चीजें। ये बहुत ही गहन अध्ययन है सांख्य। जैसे उदाहरण दे दूं थोड़ा सा आपको, एक छोटा बच्चा होता है, जब हम उसको ड्राइंग सिखाते हैं, आर्ट सिखाते हैं, कला सिखाते हैं, तो उसको या छोटा अक्षर बनाना सिखाते हैं, अक्षर शुरुआत कराते हैं, तो उसको डॉट 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 करके छोड़ देते हैं कि आ बन गया बेटा, इस पे फिर आओ, फिर बा आ वासा, मतलब जो भी अक्षर सिखाने हो तो सिखाते हैं। जब वो होते हैं, वो ब्लू प्रिंट मानिए उसको एक तरह से, यानी कि वो आ बनेगा अभी है नहीं। जैसे ही उस पर पेंसिल फिराई जाती है तो वो उभर करके सामने आ के रूप में आ जाती है। कुछ चित्र देखे होंगे आपने कि इसको अंक दे रखे होते हैं, 1 को 2 से मिलाइए, 2 को 3 से मिलाइए, 3 को 4 से मिलाइए, 4 को 5 से मिलाइए, 5 को 6 से मिलाइए। जैसे ही मिलाते चले जाते हैं तो एक किसी ना किसी रूप में वो धारण कर लेते हैं। हाथी हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, सुअर हो सकता है, शेर हो सकता है, बहुत सारे रूप धारण कर सकता है वो केवल अंकों को मिलाने से ही। तो वो क्या हो गया, वो ब्लू प्रिंट हो गया जो दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है वो शेर हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है। तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर यानी जो हमारा शरीर दिखाई देता है वो पहले से मौजूद होता है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, उसी का नाम सूक्ष्म शरीर है। तो इसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां भी है, कर्मेंद्रियां भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, जो बुद्धि खोपड़ी इतनी में से हिस्सा मानते हैं ना, ये बुद्धि, ये तो एक मैकेनिकल काम कर रही है, लेकिन उसमें जो तंत्रिका तंत्र काम कर रही है वो सूक्ष्म, उससे पहले से थी। अहंकार भी है इसमें, सारी चीजें हैं, तो उसकी चर्चा यहां पर की गई है। अब उम्मीद है आपको थोड़ी बात समझ में आ गई होगी। पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति। संसरति से तात्पर्य निरुपभोगम भावै अधिवासितम्। लिंगम, ठीक है, ये बोला गया। संसरति यानी कि इसका गुण क्या है सूक्ष्म शरीर का, आपको फिर दोबारा से याद कर लो, ये पहले उत्पन्न हुई है सृष्टि के शुरू में ही, असक्त है यानी अबाध गति से विचरण कर सकती है, किसी पत्थर शिला में भी प्रवेश कर सकती है, दीवार में घुस सकती है, आर पार जा सकती है। नियत है, निश्चित है, तिमारी सूक्ष्म शरीर अलग है, मेरा अलग है, किसी जीव का अलग है, चींटी का अलग है, हाथी का अलग है। महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम 18 अवयवों से निर्मित अवयव है उसका नाम सूक्ष्म शरीर है। संसरती है, ये संचरण करता है, यही जन्म लेता है, यही मृत्यु को प्राप्त होता है। संसरती का मतलब ये जन्म लेता है, यही मृत्यु को प्राप्त होता है। निरुपभोगम, यह भोग नहीं कर पाता इसलिए जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है, इसको स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है, भोग से परे है। भावी अधिवासित, बुद्धि के जो धर्म ज्ञान जाने थे हमने, धर्म अधर्म, हाँ सही है, ठीक है, 8 जो उसके जो रूप है एक तरह से धर्म है, वो 8 धर्म से यह अधिभाषित होता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि भी तो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है, जब सूक्ष्म शरीर में एक चीज है तो वो उसी से पूरी से कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य रहेगी। जैसे चुंबक है, चुंबक को ले लो, चुंबक के आसपास का जो भी क्षेत्र होगा वो लोह युक्त होगा तो वो सारा उसी में लोह चिपक जाएगा, ये उसके गुण है। ऐसे ही बुद्धि में जो तत्व है, जो रूप है, जो धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, आपका ऐश्वर्य है, और कौन सा था, धर्म है, ये 4 है, चारों के उल्टे, धर्म का अधर्म, ज्ञान का अज्ञान, वैराग्य का राग, और ऐश्वर्य का अनैश्वर्यम, ये 8 से ये अधिभाषित है। अधिभाषित का मतलब प्रभावित है। लिंगम,
इसको लिंग भी बोला जाता है। सूक्ष्म शरीर का दूसरा नाम क्या है? सूक्ष्म शरीर, इसका दूसरा नाम लिंग भी है। लीनम अर्थम गम्यते इति लिंगम, ये तर्क भाषा मैंने समझाया, आप जाकर के उसमें अध्ययन कर सकते हैं। जो भी छुपा हुआ है, लीनम अर्थे गमकम इति लिंगम, उसको दर्शाने का जो कार्य करते उसको लिंग कहते हैं। इसमें जो इसमें भी इसमें अर्थ लगा सकते हैं, लयम गच्छति इति लिंगम, अर्थात जो लय को प्राप्त हो जाए वो लिंग। तो ये लिंग है, जब महाप्रलय होती है या किसी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो ये अपने अपने तत्व में विलीन होते चले जाते हैं। जैसे अहंकार से मन, दसों इंद्रियां, तन्मात्राएं निकली थी तो वो उसमें विलीन हो जाती हैं, अहंकार बुद्धि में विलीन हो जाता है और बुद्धि अपनी प्रकृति में जाकर के विलीन हो जाती है और वो पुरुष जैसा है वो वैसा ही रह जाता है। ये इसका तात्पर्य है। अब दिक्कत कहां आती है इसको मैं थोड़ा सा बताता चलूं, आपको समझ में आ जाएगा आज। अब ये महसूस करके चलना, जो हमारे महापुरुष कहते हैं कि दूर दूर तक की यात्रा करके आते हैं, वो उनका सूक्ष्म शरीर है जो जाकर के दूर दूर की यात्रा कर आता है। योग के माध्यम से हर कोई इस विषय में पारंगत हो सकता है। जब योग चलेगा तब उसमें थोड़ी सी जानकारी लेंगे। महद आदि सूक्ष्म पर्यंत में कुछ विद्वानों ने, मैंने एक दो विद्वानों के वीडियो देखे थे और अगर आपको भी मौका मिले तो जरूर देखना। वैदिक गुरुकुलम मैंने बताया बाबा रामदेव जी का है, उसमें जाकर के देखना, तो सांख्यकार का उसमें अध्ययन कराया है। और उसमें भी मैंने प्रश्न पूछा था कि आपने इसके 8 अव्यय माने हैं, उन्होंने मन को भी सूक्ष्म के अंतर्गत नहीं माना। ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया को तो छोड़ ही दीजिए, केवल मन, बुद्धि, अहंकार और तन्मात्राएं 5 और 2 7 7 और 7 ही माने हैं। बाद में 8वां मन माना था लेकिन उसको भी छोड़ दिया उन्होंने। तो मैंने उनसे प्रश्न किया था कि आपने ऐसा क्यों किया है, आप थोड़ा सा इसमें विस्तृत से जानकारी दें। मुझे नहीं लगता वो कोई जानकारी देंगे क्योंकि वहां उस बात को वो गोल गोल करके खत्म करके आगे चले गए। और आपको जानकारी हो जो मैं बता रहा हूं उससे हटके तो कमेंट के माध्यम से अवश्य दें, जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके। केवल उद्देश्य हमारा लाभ लेना है और कुछ नहीं, कहीं से भी मिले किसी प्रकार से मिले। इसमें मुझे अब कुछ नहीं लग रहा कि कुछ समझाने के लिए है। विशेष अविशेष का याद रखना, तन्मात्रा केवल अविशेष के अंतर्गत आएंगी लेकिन सूक्ष्म शरीर विशेष के अंतर्गत आएगा, ठीक है? क्योंकि सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां हैं और वो संसरण क्यों करती हैं, जन्म मरण को प्राप्ति क्यों करती हैं, क्योंकि उनको स्थूल शरीर चाहिए होता है भोग के लिए। जब तक वो स्थूल शरीर को प्राप्त नहीं करेंगी तब तक वो भोग को प्राप्त नहीं कर सकती। वो भोग सुख हो सकता है, दुख हो सकता है, मोह हो सकता है, किसी प्रकार का भोग हो सकता है। तो ब्लू प्रिंट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो सूक्ष्म शरीर अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है, तो इसका उदाहरण मैंने देने का प्रयास किया। आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।